यह कहानी है कुछ ऐसे ननों के बारे में जो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बोरिंग फील करने लगती हैं और इसी के बाद वो अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक आदमी के साथ क्या कुछ नहीं करती, इसे हम जानेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिनका नाम है फर्नांडा। वो एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी, तभी उन्हें वहाँ पर एक दूसरी नन मिलती है जिनका नाम है सिस्टर जनवारा। अब सिस्टर फर्नांडिस जनवारा से पूछती है कि वो कल रात कहाँ थी, जिसके जवाब में फर्नांडा उससे कहती है कि कल रात यह गधा चर्च से कहीं भाग गया था और इसी वजह से वो उस गधे को ढूंढने के लिए गई थी। जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी उनके पीछे से एक माली गुजरता है और वो माली उन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है, जिसे सुनकर वो दोनों नन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो दोनों मिलकर उस माली को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती हैं। इसके बाद सिस्टर जनवारा हेड सिस्टर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि वो उस गधे की कस्टडी को अपने पास रखना चाहती है क्योंकि वो गधा हर रात को चर्च से भाग जाता है। इसी के बाद हम एक और नन को देखते हैं जिनका नाम है सिस्टर अलेक्जेंड्रा, जो कि वो वहाँ पे बैठी हुई थी। दरअसल अलेक्जेंड्रा अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बोर हो चुकी होती है और इसी वजह से वो चर्च में रहना नहीं चाहती और वो अपनी लाइफ को किसी के साथ एंजॉय करना चाहती है। इसी के बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सिस्टर अलेक्जेंड्रा के डैड उसे मिलने के लिए आते हैं। इसी के बाद उसके पिताजी उसे कहते हैं कि उसके लिए कोई शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा क्योंकि लड़के वाले काफी ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इसी के बाद अलेक्जेंड्रा अपने डैड से कहती है कि जो उसके पिताजी उसके लिए चर्च में कुछ पैसे भेजा करते हैं तो उसे चर्च में ना भेजकर उसके शादी के लिए पैसे जमा करें तो दहेज के लिए कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। लेकिन अलेक्जेंड्रा की सारी बातें सुनकर उसके पिताजी उसकी कोई भी बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। इसी के बाद हम उन तीनों ननों को साथ में देखते हैं जो कि अपने हाथ में किसी बुने हुए कपड़े को लेके जाते होते हैं। अब इसी के बाद उनकी मुलाकात उसी माली से होती है जिसे उन्होंने पिछले दिन गालियाँ दी हुई थी, लेकिन वह माली उन्हें काफी गंदी नजर से देख रहा था। इसके बाद वो तीनों वहाँ पे रुककर उस माली को गंदी गंदी गालियाँ देती हैं और उसे वहीं पे मारने लगती हैं। दूसरी तरफ हम फादर टोमासो को देखते हैं जो कि उन सिस्टर के बुने हुए कपड़ों को लेकर बाजारों में लेके जाते होते हैं। उसी के बाद फादर की मुलाकात उस माली से होती है जिसे उन तीनों ननों ने मिलकर मारा था। वह माली उस फादर से कहता है कि वह अब यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों ननों ने उसे काफी बुरी तरीके से मारा है। लेकिन यहाँ पर फादर काफी ज्यादा उनसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो माली काफी ज्यादा नाराज था और यहाँ पर वो माली उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से काम छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्को के साथ खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त वो अपनी बीवी से काफी ज्यादा बात कर रहा था लेकिन उसकी बीवी की नज़र वहाँ के एक नौकर पर थी और वह नौकर भी उसे काफी ज्यादा बुरी नज़र से देख रहा था। इसके बाद हम रात में देखते हैं कि फ्रांसिस्को उस नौकर के करीब आती है और करीब आने के बाद उसे कहती है कि उसके हस्बैंड के द्वारा उससे कुछ नहीं हो पाता। अब वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तब तक वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था और इसी का फायदा उठाकर वहाँ से वो नौकर भाग जाता है। लेकिन ब्रूनो भी उसके पीछे पीछे नौकरों की कॉटेज तक आ जाता है और वहाँ पे उसे ढूंढने लगता है। लेकिन इसके बाद वो नौकर वहाँ पे सोने का ड्रामा करने लगता है और इसी के बाद ब्रूनो अपने सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखकर देखता है कि अभी यहाँ पर कौन भाग कर आया था, जिससे धड़कनें तेज होने पर उसे पता चल सके। इसी के बाद उसे एक नौकर पर शक होता है और रात बहुत ज्यादा होने की वजह से वह उस नौकर की चोटी काट लेता है ताकि सुबह होते ही वह उस नौकर को पहचान सके। उस नौकर का नाम है साडो और ब्रूनो उसी नौकर को ढूंढ रहा था। लेकिन जब ब्रूनो उन नौकरों की चेकिंग करने के लिए आता है तब वो देखता है कि उन सभी नौकरों की चोटी ऑलरेडी कटी हुई है। इस वजह से वो उस नौकर को नहीं ढूंढ पाता जो नौकर उसके बीवी के साथ था। इसी के बाद जब सूडो कहीं जा रहा था तो पीछे से फ्रांसिस्को उसे पकड़ लेती है और उसके साथ खुले में ही करीब आना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ब्रूनो भी उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है और अपने सिपाहियों को उस साडो को लाने के लिए कहता है। यहाँ पर सिपाहियों के पीछे पड़ने की वजह से साडो उनसे बचकर भागने लगता है और भाग कर वहाँ से एक जंगल की तरफ चला जाता है। यहाँ पर जंगलों में उसे फादर टोमासो दिखते हैं जिनकी गाड़ी पलट चुकी थी, इसीलिए साडो फादर टोमासो की मदद करता है और बहते कपड़ों को उठाकर दे देता है। अब यहाँ पर फादर टोमासो सुडो को शुक्रिया करता है और उसे अपने साथ चर्च चलने के लिए कहता है। यहाँ पर सुडो के पास भी कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं था इसलिए वो उनकी बात मान जाता है। तभी फादर साडो से कहते हैं कि वो उसे चर्च तो लेकर जाएगा लेकिन सुडो को वहाँ पर गुंगा और बहरा बन के रहना पड़ेगा क्योंकि चर्च में जो सिस्टर हैं वो काफी ज्यादा बुरे हैं और वे लोग किसी आदमी को अगर देखते हैं तो उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। अब कुछ समय बाद ये दोनों चर्च पहुँच जाते हैं जहाँ पर फादर उसे सिस्टर मारिया से मिलाते हैं। शुरुआत में तो सिस्टर मारिया उसे चर्च में रखना ही नहीं चाहती थी लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि साडो गुंगा और बहरा है तो उसे रखने के लिए राजी हो जाती हैं। इसके बाद चर्च में आने के बाद ही वो तीनों नन उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगती हैं और उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन करने लगती हैं। लेकिन साडो वहाँ पर गुंगा बहरा होने का नाटक कर रहा था, इस वजह से वो उनके कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है और वो इन तीनों से कहती है कि यह हमारा नया माली है और यह माली गुंगा और साथ में बहरा भी है। इसके बाद सिस्टर फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उसे मिलने आती है। इसके बाद वो दोनों अलेक्जेंड्रा के रूम में जाते हैं और वहाँ पर दोनों एक साथ नशा करने लगती हैं।
कुछ ही देर के बाद सिस्टर जानवरा भी वहाँ पे आ जाती है और वो उनके साथ भी ज्वाइन हो जाती है। इसके बाद ये दोनों पार्टी करने के साथ साथ कुछ रोमांटिक बातें भी करती हैं और जानवरा फर्नांडा के साथ रोमांस भी करने लगती है। इसके बाद हम अगले ही सुबह साडो को देखते हैं जो कि जमीन की खुदाई कर रहा था। इसके बाद सिस्टर अलेक्जेंड्रा उसके पास आती है और अलेक्जेंड्रा उससे काफी ज्यादा बातें करती है। उससे बात कर उसे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए वो उसके पास करीब आने लगती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद चर्च की घंटी बज जाती है। इस वजह से अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में हम जानवरा और फर्नांडा को देखते हैं जो कि कपड़े धो रहे थे और इसी के बाद अलेक्जेंड्रा वहाँ पे पहुँच जाती है और ये तीनों मिलकर बातें करने लगते हैं। इसी बीच फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि उसके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। इसलिए अलेक्जेंड्रा उसे बताती है कि वो साइडो के साथ मिलकर गड्ढे खोदने में मदद कर रही थी, इस वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए, लेकिन हमने तो देख ही लिया कि वो कौन सा गड्ढा खोद रही थी। और ये सब बातें सुनकर जानवरा और फर्नांडा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि इसके पहले वो कभी भी कोई भी काम नहीं करती थी। इसके बाद फर्नांडा जानवरा और उसकी फ्रेंड मार्था को जंगल की ओर जाते हुए देखते हैं, इस वजह से वो छुपकर उन दोनों का पीछा करने लगती है। इसी बीच वो देखती है कि वो दोनों मिलकर जंगल में बेनाडोला बना रही है। दरअसल बेनाडोला एक तरह का परफ्यूम होता है जो कि पुराने जमानों में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाता था। यहाँ पर मार्था फर्नांडा को बेनाडोला लगा देती है और इसी के बाद वो दोनों सैडो के रूम में चली जाती है। यहाँ पर ये दोनों उसे सेड्यूस करने लगती हैं और धीरे धीरे ये दोनों काफी ज्यादा उसके करीब आ जाती हैं। इसके बाद हम बिशप नाम की एक और लेडी को देखते हैं जो कि उस चर्च में कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए आई थी, इसलिए फादर उसे चर्च में घुमाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो कि सैडो के साथ रूम में थी, लेकिन तभी एक लेडी नन वहाँ पर आ जाती है जिस वजह से सैडो वहाँ पे बिस्तर के नीचे छुप जाता है। अब अलेक्जेंड्रा उस लेडी नन की मदद करने जाती है और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो लेडी नन बहरी है और इसी वजह से वो इन दोनों की हरकतों को नहीं जान पाई। यहाँ दूसरी तरफ सैडो उस रूम से खिड़की की तरफ से निकलने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ बिशप के साथ सिस्टर मारिया भी आ जाती है जिस वजह से वो फिर से बिस्तर के नीचे छुप जाता है। अब थोड़ी देर तक उनके वहाँ पे रहने के बाद जब वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं तब सैडो भी उसके बाद निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जानवरों के भी बेलाडोना इत्र बनाते हुए देखते हैं, लेकिन वो उसे बॉडी में लगाने के बजाय वो उसे पी लेती है जिस वजह से उसे चक्कर आने लगता है। यहाँ पे अलेक्जेंड्रा सैडो के रूम में जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है, इस वजह से वो वहाँ पे छुप जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ कोई और नहीं, ये तो जानवरा है जो कि इसी हालत में आ गई है और उसके साथ करीब आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे भी वहाँ पे किसी के आने की आहट होती है, इस वजह से वो भी वहाँ पे जाके छुप जाती है जहाँ पर ऑलरेडी अलेक्जेंड्रा थी। अब अलेक्जेंड्रा को वहाँ पे देखकर वो दोनों का मुंह शर्म से लाल हो जाती है। अब यहाँ पर कोई और नहीं, यहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आई थी जो कि सैडो को चाकू दिखाकर उसे किडनैप कर लेती है और उसे जंगल की तरफ ले जाने लगती है। इसलिए जानवरा और फर्नांडिस ये दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर आग जल रही है। वहाँ पर उन दोनों को सैडो भी नजर आती है जहाँ पर फर्नांडा ने उसे बांध कर रखी थी। वहाँ पे ये लोग ये भी देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा लोग थे, शायद दो लोग आज सैडो की बलि चढ़ाना चाहते थे, इस वजह से वो दोनों फर्नांडा और बाकी लोगों पे अटैक कर देती है और किसी तरीके से उन दोनों को मारकर वो सैडो को लेकर चर्च पहुंच जाती है और चर्च पहुंचकर जानवरा सभी को उठाने लगती है। तब बिशप से वो कहती है कि फर्नांडा एक डायन है। यह सब सुनकर बिशप सिस्टर मारिया को बाहर बुलाते हैं। तभी सिस्टर के रूम से फादर थोमासो भी बाहर निकलता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के बाद अगली सुबह बिशप उन सभी को सजा सुनाती है जहाँ पर वो फादर थोमासो को वह दूसरे चर्च में भेज देती है। वहीं पर सैडो को भी ब्रोन के पास भेज दिया जाता है और लॉर्ड ब्रूनो उसे अपने कैद में ले लेता है क्योंकि सैडो उसकी बीवी के साथ करीब आने की कोशिश किया था। इसी के बाद हमें कुछ दिनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर वो तीनों सिस्टर एक दूसरे से माफी मांगते होती हैं और इन तीनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। इसी वजह से ये तीनों सोचने लगती हैं कि सैडो को इन लोगों की वजह से जेल जाना पड़ गया, इसलिए वो तीनों सैडो को जेल से निकालने के लिए एक प्लान बनाने लगती हैं। वो लोग किसी तरीके से सिपाहियों को गुमराह करती हैं और सैडो को वहाँ से निकालकर जंगल में उसे ले आती हैं। इस वजह से वो सारे काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने सैडो को जेल से निकाल दिया है। तभी उन तीनों की मुलाकात जंगल में फादर थोमासो से होता है जो कि सिस्टर मारिया के साथ रोमांस कर रहे थे और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।